अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको ये विज़िट करवाएंगे पाँच मल्ला घर। ये बहरिया टाउन की आइडियल लोकेशन पे ये मौजूद है, मैकडोनल्ड के बिल्कुल पास है, मेन रोड के करीब है, और यहाँ पे कमर्शियल दिया गया दो मल्ला उसके करीब है, और इस ब्लॉक में पार्क भी मौजूद है। 2545 इसकी डायमेंशन है और ये स्पेनिश एलिवेशन में ये बना हुआ है। ये इसका स्ट्रीट व्यू है, ये आप देख सकते हैं। 40 फिट रोड है ये, और ये मेन रोड की बैक है, इस वजह से यहाँ पे कोई रश नहीं है ज़्यादा, मतलब गली में ना आप बस यहाँ पे गली में बच्चे वगैरह खेल सकते हैं, बड़ा अच्छा माहौल है इधर। ये इसका एलिवेशन है, ये इसका रैंप है, और ये इसका डोर डिज़ाइन किया गया है ग्रे कलर में, बड़ा खूबसूरत और सिंपल डोर है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये इसका एलिवेशन है, बड़ा सिंपल और डिसेंट कलर है, एलिवेशन भी बड़ा खूबसूरत है, डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा हुआ है। ये इसका पोर्च है, यहाँ पे आपकी एक गाड़ी पार्क हो सकती है। ये इसकी वॉल है, यहाँ पे आप कोई सीनरी वगैरह या पेंटिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये सामने वेंटिलेशन की विंडो दी गई है। ये इसका मेन डोर है, ये ड्राइंग रूम का, ये इसका ओपन एरिया या फ्रंट गली है, ये साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, इसे ये ड्राइंग रूम वाली साइड पे ओपन होगी अंदर अंदर से। ये फ्रंट गली आप लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पोर्च, ये इसका मेन गेट है, और ये इसका ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम के डोर से मिंटर होंगे, और ये मैं आपको साथ बताता चलूँ, इसका ये टोटल जो डोर हैं वो सॉलिड लकड़ी में बने हुए हैं, और सिंपल और डिसेंट डिज़ाइन इनका, काफ़ी फिनिशिंग भी इनकी बड़ी अच्छी है, और कलर कम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है इसका ना, कलर भी बड़ा अच्छा है इनका, पेंट या पॉलिश इसकी, और फिनिशिंग बड़ी अच्छी हुई है, डिज़ाइन भी सिंपल और डिसेंट है। ये हम ड्राइंग रूम सेंटर हो रहे हैं। ये इसके नीचे तकरीबन ऑफ वाइट कलर में हल्की डिज़ाइनिंग में टाइल यूज़ हुई है, ग्राउंड फ्लोर पर भी और फर्स्ट फ्लोर पर भी टाइल यही यूज़ हुई है पूरे घर में, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी ड्राइंग रूम की वॉल है, ये दरमियान में वॉल पेपर लगा हुआ, और साइडों पे ये दीवार का पेंट है, यानी कि ये इसका पेंट है दीवार का, और ये वॉल पेपर लगा हुआ ऊपर इस तरह ही, बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल फैन इंस्टॉल है इसमें, ये आप देख सकते हैं। और ये साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो है, जो हमने सामने से अभी विजिट की है, काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। ये फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी सामने से। ये इसका ड्राइंग रूम है, और ये इसका लिविंग एरिया है, बड़ा डिसेंट वर्क हुआ है, सॉलिड वर्क हुआ है, बड़ा अच्छा कलर कम्बिनेशन है, डिसेंट घर बना हुआ है, और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है घर ये। ये इसके हॉल का व्यू है पूरा, ये ड्राइंग रूम है, ये इसका लिविंग एरिया है, यहाँ पे आप कर्टन लगा के इसे सेपरेट कर सकते हैं। ये सामने इसकी ये मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, और ये लिविंग एरिया की फ्रंट वॉल है, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका ये पेंट है, ग्रे कलर में पेंट हुई है, और ये ऊपर ये ब्लू कलर की डिज़ाइनिंग में ये वॉलपेपर लगा हुआ है इसके। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन इंस्टॉल है, बड़ा डिसेंट और सिंपल वर्क हुआ है। नीचे इसके ये एक बेड है, और एक किचन है, दो बेड इसके ऊपर है। ये इसका मेन डोर है, ये मैं आपको लिविंग एरिया का और ड्राइंग रूम का हॉल का पूरा व्यू दे देता हूँ। ये इस तरह ये वो ड्राइंग रूम है, ये लिविंग एरिया है, ये इसका मेन डोर है, हम इंटर हुए थे ये ड्राइंग रूम के डोर से यहाँ से, ठीक है। और ये मेन डोर के साथ ये पाउडर रूम दिया गया, सिंक इसमें इंस्टॉल है, कमोड लगा हुआ है, वेंटिलेशन की विंडो दी गई है, बड़ा अच्छा मैनेज किया, और इसकी हाइट भी काफ़ी ठीक है, अच्छी हाइट है इसकी, यानी कि अमूमन ये इसकी बहुत कम हाइट होती है, बड़ी अच्छी तरह इसे इसकी स्पेस को मैनेज किया गया। तो ये हम पहले रूम विजिट कर लेते हैं इसका लिविंग एरिया से। ये इसका बेडरूम है, टाइल वही सेम यूज़ हुई है पूरे घर में। ये इसकी बेड साइज़ है, ये बड़ी खूबसूरत और सिंपल जो है इसमें कलर डिज़ाइनिंग है,
ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये सामने वेंटिलेशन की विंडो दी गई है जो इसकी बैक गली में ओपन हो रही है। और ये बेड साइड वाली वॉल के सामने बिल्कुल ये कवर स्पेस दी गई है। और इसकी शीट का कलर बड़ा डिसेंट कलर है इसका। और इस वॉल में ये ग्लोब इंस्टॉल किया, ये आप देख सकते हैं। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में टोटल टाइल वर्क हुआ है, ये बड़ा डिसेंट और खूबसूरत लग रहा है। और इसका साइज़ भी जो है वॉशरूम का अच्छा है। सिंक कमोड वगैरह यहाँ इसमें इंस्टॉल है। ये आप टाइल के कलर देख सकते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव कलर है इसका। वेंटिलेशन की विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल है। ये इसका बिल्कुल सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये हमने रूम आप विज़िट कर लिया हुआ है, मैं इसको आपको इसका व्यू दे देता हूँ। वॉशरूम के साथ ये बेड वॉल है और इस वॉल में ये ग्लोब इंस्टॉल है साथ बिल्कुल। ये सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सामने कवर स्पेस इस तरह। ये हम लिविंग एरिया में वापस आ गए। ठीक है, ये हमने बेड अभी विजिट किया। इसके साथ ये किचन है। किचन में टाइल जो है वो सेम यूज़ हुई है। ये ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया इसमें। काफ़ी अच्छी इसमें ये शीट यूज़ हुई है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, फैन इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है सिंपल, बर्नर इंस्टॉल है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये किचन है। किचन साइज़ काफ़ी खुला है इसका, काफ़ी डिसेंट और अच्छा घर बना हुआ है ये। ये इसका बैक गली है। ये इसका ये से आप लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये विंडो जो हमने रूम में अभी विजिट किया, ये बैक गली में ओपन हो रही है इस तरह। ये इसका किचन है। किचन में डबल डोर यूज़ हुआ है, एक ये और साथ ये जाली वाला आपके यहाँ डोर है या इस तरह। ये हमने किचन इसका विजन कर लिया और ये आप देख सकते हैं इसका व्यू बड़ा डिसेंट खूबसूरत लग रहा है ये, और बड़ा अच्छा वर्क होगा इसमें। ये हम वापस लिविंग एरिया में आ गए। लिविंग एरिया में नीचे ये एक बेड है, साथ ये किचन है। ये इसका लिविंग एरिया है, मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ इसका। ये हमने विजिट कर लिया होगा, ये ड्राइंग रूम है इसका। ठीक है, ये साथ मेन डोर है। ये नीचे छोटा सर्वेंट पाउडर रूम दिया गया, ये भी हमने विजिट कर लिया। स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, अब हम फर्स्ट फ्लोर विजिट करते हैं। ये आप देख सकते हैं साथ बड़ा अच्छा और एक्सपेंसिव ये वॉलपेपर यूज़ हुआ है ये स्टेयर्स के साथ साथ। स्टील से स्टेयर्स यूज़ की गई हैं इसमें। सामने ये वेंटिलेशन की विंडो दी गई है जो टेरेस वाली साइड्स पे ओपन हो रही है। ये सामने फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो गई है। ये टेरेस का डोर है। ये हम आगे हुए ऊपर लिविंग एरिया में। ये इसका लिविंग एरिया है, सेम टाइल यूज़ की गई है जैसे नीचे है। और ये लिविंग एरिया में ओपन किचन दिया गया है। इसमें ये शीट बड़ी अच्छी यूज़ हुई है, बर्नर इसमें इंस्टॉल है। और इसका कलर बड़ा खूबसूरत है शीट का। ये स्टेयर्स के साथ है इस तरह किचन ना, ये स्टेयर्स जाएंगे ऊपर छत पे। इसे आप यहाँ पे कोई वुडन वर्क करके थोड़ा पास सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि बेहतर डिज़ाइन हो जाएगा यहाँ पे, वॉल हो जाए छोटी सी। ये इसका ओपन किचन है। ये इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में एक बेड ये राइट साइड पे है, ये बेड है, और ये किचन है राइट साइड पे। और हमारे लेफ्ट साइड पे ये एक बेड है और साथ ये टेरेस डोर है। ये हम पहले राइट साइड वाला हमने किचन तो विज़िट कर लिया भाई, ये हम बेड विज़िट कर लेते हैं राइट साइड पे। ये सामने इसके ये वेंटिलेशन के लिए विंडो नज़र आ रही है जो बैक गली की तरफ ओपन हो रही है ये। और ये इसकी बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है, बड़ा खूबसूरत में वॉल पेपर यूज़ हुआ है, सिंपल वर्क हुआ है और डिसेंट। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल। और ये इसमें फैन इंस्टॉल है। ये इस वॉल के साथ बेड साइड वाली वॉल के साथ ये कवर स्पेस दी गई है।
ये विंडो वेंटिलेशन के, ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम इसके काफ़ी खुले हैं, मास्टर साइज़ के हैं। इसमें नीचे ऑफ वाइट कलर की टाइल यूज़ हुई है, ये आप देख सकते हैं। वॉल पे भी ये डिज़ाइन, इसमें डिज़ाइनिंग है इसमें सर्कल में ना टाइल में। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई, एग्जास्ट दिया गया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। सिंक और कमोड इसमें इंस्टॉल है जी। हमने ये रूम विजिट कर लिया और मैं आपको इसका व्यू दे देता हूँ भाई। ये इसकी विंडो है, ये इसकी बेड साइड वॉल है, साथ ही कवर स्पेस है। ये हम वापस आ गए हैं लिविंग एरिया में, इसके साथ बिल्कुल ये किचन है। ये राइट साइड हमने विजिट कर ली है फर्स्ट फ्लोर की, और ये लेफ्ट साइड पे ये एक बेडरूम दिया गया। ये बड़ा अच्छा खूबसूरत जो है डिज़ाइन किया गया बेडरूम, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी बेड साइड है और ये साथ विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, जो फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। यहाँ पे आप मौसम अगर अच्छा हो, यहाँ पे आप कोई टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये स्ट्रीट व्यू आ रहा है बड़ा अच्छा, चाय वगैरह पीने के लिए तो बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी प्लेस है, सिटिंग प्लेस बड़ी खूबसूरती से मैनेज की गई है। ये वापस आ जाते हैं रूम में। ये इसके विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, ये इसकी बेड साइड है। और साथ ये वॉशरूम है, वॉशरूम में ये कवर्ड स्पेस वॉशरूम के अंदर ही मैनेज की गई है ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसमें वॉशरूम इसके काफ़ी थोड़े बड़े हैं, थोड़े मास्टर साइज़ के हैं। ये वेंटिलेशन की स्पेस है, ये यहाँ पे टाइल यूज़ हुई है डिज़ाइनिंग में। सिंक कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है, शावर सेट लगा हुआ है जी। ये हमने रूम विजिट कर लिया है, मैं आपको इसका व्यू दे देता हूँ। ये हम आप वापस आ रहे हैं लिविंग एरिया में, और इस बेड के साथ ये टेरेस का डोर है। ये हम टेरेस विजिट कर लेते हैं। टेरेस में ये डबल डोर यूज़ किया गया, ये आयरन डोर है और ये वुडन वर्क हुआ है, वुडन डोर है ये। ये टेरेस में टाइल यूज़ की गई है, डिज़ाइनिंग में ब्राउन कलर में है तकरीबन। ये इसका टेरेस है, टेरेस का डिज़ाइन है। ये ऊपर ममटी भी बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है, फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है ये। ये टेरेस है इसका, और ये टेरेस से आप स्ट्रीट व्यू है। ये हमने फर्स्ट फ्लोर पूरा विजिट कर लिया हुआ है, किचन, ये सामने वाला रूम, बेडरूम, और ये एक बेडरूम इस तरफ है, ये इसका लिविंग एरिया और साथ ही टेरेस। और ये अब स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर ममटी पे और छत पे। ये स्टेयर के सामने विंडो देख गया वेंटिलेशन के लिए, जो हमने टेरेस से विजिट किया अभी। आयरन डोर यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह, ये इसकी ममटी है। ये ममटी में पूरा एक आप कह लें रूम सेट किया गया यहाँ पे। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, टाइल यहाँ भी नीचे की तरह यूज़ हुई है दो बाय दो की। और ये वॉशरूम है ममटी का, कमोड वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह ही। यहाँ पे भी आयरन डोर जो है यूज़ हुआ है। ये मैं आपको छत से इसका व्यू दे देता हूँ, और इस घर की जो डिमांड है
इसकी डिमांड कर रहे हैं 2.25। ये सामने बिल्कुल ये आ गया होगा दरख्त, ये इसका वैसे स्ट्रीट व्यू है, एक साइड का यार है। तो जो दोस्त या भाई इसमें इंटरेस्टेड हों आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, 2.25 इसकी डिमांड कर रहे हैं ये, और ये इंतहाई मुनासिब डिमांड है। इस घर की जो लोकेशन है और जिस तरह ये ब्लॉक डिवेल्प है, पार्क यहाँ पे मौजूद है, कमर्शियल यहाँ पे मौजूद है और मेन रोड इसके बिल्कुल करीब है, यानी कि बहरिया का जो मेन रोड है वो आप कह लें। तो इस हवाले से जो दोस्त इंटरेस्टेड हों हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।